उत्तर प्रदेश के सैफरोजाबाद में नगर निगम क्षेत्र बम्बा रहना नाला भावुका नगला व आसपास क्षेत्र के नाले में कई महीनों से साफ सफाई न होने पर नाले में कूड़ा बुरी तरह जम गया है। कोई बैरिकेडिंग आदि न होने के कारण अक्सर कभी कोई गाय, कभी व्यक्ति, कभी कोई जानवर आदि गिर जाते हैं। रहना नाले के पास स्थित कुछ दुकानदारों ने बताया कि यहां करीब 1.5 वर्ष से कोई सफाई नहीं हुई है, जिस कारण नालों में कूड़ा जमने के साथ उस पर घास तक उपज आई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालत है यहां की। एक बार महापौर ने आसपास निरीक्षण किया, लेकिन यहां नहीं आकर देखा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर आयुक्त विजय कुमार ने इस बारे में बताया कि पहला नगर निगम के सीमा में, दूसरा कुछ बड़े नाले हैं, उनकी मशीनों से सफाई कराते हैं। दो नाले जो बेसिकली माइनर हैं, उनकी सफाई सिंचाई विभाग कराता है। सिंचाई विभाग से हमारी बात हुई है, बताया गया है जल्द सिल्ट निकलवाई जाएगी। सिल्ट तली झाड़ सफाई की जा रही है। हमने कई जगह निरीक्षण किए, लापरवाही पर प्रभारी को भी हटाया। बताया कि हम कटिबद्ध हैं, बरसात से पहले सभी नालों की तली झाड़ सफाई कराएंगे। बम्बा रहना नाले की सफाई पर कहा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आते हैं। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या क्या परेशानी और क्या क्या परेशानी होती है इससे? मच्छर वगैरह यहाँ बहुत गंदगी वगैरह देख रहे हो आप, अभी कुछ दिन देख रहे हैं। दादा क्या नाम है तुम्हारा? संतोष वर्मा। संतोष जी, यहाँ पर आप दुकान करें, किसकी दुकान है ये? ऑटो पार्ट। कौन सी जगह है ये? ये रहना ही पुलिया जी। आपके सामने नाला बड़ा पड़ा है, इसमें क्या 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 दिक्कत होती है इससे? रोजाना गैया गिरती है, गाय वगैरह भी गिरती है। कब से सफाई नहीं हुई इसकी? कब से सफाई नहीं हुई इसकी? नगर पालिका वाले निकालने भी आते हैं, कुत्ता भी डरे रहते हैं जहाँ मरे हुए, कोई सफाई फफाई कोई नहीं। कब से सफाई नहीं हुई, कितना समय हो गया? एक डेढ़ साल तो मान ही लो, बीच में सफाई भी हो गई फिर कचरा हो गया। कोई अधिकारी वही आया यहाँ पर देखने? आते जाते हैं देखते। और क्या क्या परेशानी है इससे, कुछ बदबू वगैरह? अरे मच्छर तो बहुत ही आते हैं भैया, यहाँ गंदगी के अलावा। और वही का फिरोजाबाद में नालों की सफाई है, जो 7 किलोमीटर के नाले हैं जो उनकी सफाई होनी है, उसमें बहुत सिल्ट और घास भी जमी हुई है। इस पे नगर निगम किस तरह की सफाई का अभियान चलाएगा? देखिए, नगर निगम के अंतर्गत हम अगर नालों की बात करें तो उनको 3 तरीके के नालों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला वो नाले हैं जिसमें हम लोग नगर निगम की सीमा में हैं, मैनुअली सफाई करवाते हैं, जो मीडियम श्रेणी के नाले हैं। कुछ जो बड़े नाले हैं नगर निगम सीमांत, उनकी हम मशीनों से सफाई कराते हैं। और तीसरे दो नाले वो हैं जो बेसिकली माइनर हैं, अब नालों के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उनकी सफाई सिंचाई विभाग कराता है क्योंकि वो उनके नियंत्रण में है। उसमें सिंचाई विभाग के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि मशीनरी हम लगा देंगे, उसका सिल्ट का जो काम है नगर निगम से ट्रांसपोर्ट करा दें। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि ये उस मामले में आपकी मदद कर दी जाएगी। जहाँ तक नगर निगम द्वारा किए जाने वाले नालों की बात है, तो उसमें एक बड़ी गैंग हमने लगाई है जिसमें 100 लोगों की स्वीकृति दी है, जिसमें अभी 70 लोग लगभग काम कर रहे हैं। इसका लगातार सिल्ट तली झाट सफाई की जा रही है, मेरे द्वारा भी लगातार इसका निरीक्षण किया जा रहा है। बीच में जब हमने एक दिन निरीक्षण किया था, उसमें जो कर्मी अनुपस्थित पाए गए थे, उसमें हमने जो प्रभारी था उसको भी हटाया था और उनको शोकॉज जारी किए हैं, हमने ये कार्रवाई भी की है। इसके अलावा जो मशीनों, जैसे सर्कुलर रोड वाला बड़ा नाला है, वो मशीनों से उसकी सफाई की जा रही है। तो इस प्रकार से हम कटिबद्ध हैं कि बरसात से पहले सभी नालों की तली झाड़ सफाई कराना सुनिश्चित। सर, जैसे बम्बा बाईपास वगैरह के जो नाले हैं, रैना का नाला है जो अभी सिल्ट से अटा हुआ है, और वहाँ ज़्यादातर ऐसे मोहल्ले हैं जो जमीन स्तर से बहुत नीचे हैं और बरसात में पानी भर जाता है, उन नालों की सफाई के बारे में क्या कहना? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये बड़े नाले हैं, उसमें कुछ ऐसे जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसमें हम मशीनों से इनका रोस्टर बनाते हुए एक एक नाले पे कार्रवाई की जा रही है। और ये जैसा मैंने पहले बताया, ये हम अश्योर करेंगे कि बरसात से पहले हम सारे नालों की